गुरु पूर्णिमा के दिन संदलपुर और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और सुंदरेल के मंदिर में हुई चोरी के मामले में खातेगांव पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 34 वर्षीय युवक और 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। खातेगांव TI विक्रांत झांझोट ने बताया कि गिरधर शर्मा की तरफ से दक्षिण मुखी मंदिर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। गिरधर शर्मा ने रिपोर्ट में कहा था कि चोर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से हनुमान जी, शनि महाराज एवं सिंगा जी महाराज के चांदी के आभूषण ले गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि उसी दिन सुंदरेल मंदिर में भी चोरी हुई थी। पुलिस ने जब CCTV कैमरा खंगाला तो पता चला कि ये चोरी रतलाम निवासी एवं महिला और पुरुष ने की है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम इन आरोपियों तक पहुंची। TI झांझोट ने बताया कि आरोपी की पहचान अनुज उर्फ लक्की राव और नीतू थॉमस के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस टीम ने जनता नगर रतलाम से पकड़ा। पहले तो ये दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने मंदिरों में चोरी करना कबूल किया। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही चोरी करने में इन्होंने जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया था उसे भी जब्त कर लिया है। हमने जब CCTV फुटेज देखे संदलपुर से लेके खातेगांव तक, तो हमें उसमें एक महिला और पुरुष एक मोपेड पे दिखे, जो संदिग्ध, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, जो मंदिर पर आकर हॉल्ट भी किए थे 5 मिनट का और वहां से निकले थे। इसमें इनसे पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ है कि कोटा राजस्थान एवं बड़ौदा गुजरात में भी मंदिर की चोरी इनके द्वारा की गई है। आज माननीय न्यायालय इनको पेश किया जाएगा, इनके पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि क्षेत्र में अन्य कोई चोरी हुई है तो उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा सके। सर, ये मंदिर को आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।